रेचल का एक मिलेनियर नेबर था जिसे वो बहुत टाइम से लाइक करती आ रही थी। ये दोनों करीब आने लग गए पर आरिस की कुछ रीजंस थे, इसकी वजह से वो किसी भी लड़की के पास नहीं जाता था। क्या एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे ये हम आज की हमारी मूवी थ्रू माई विंडो, ये 2022 की एक स्पैनिश मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना इसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर रेचल हमें अपनी स्टोरी बता रही थी। रेचल के घर के सामने एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरिस। आरिस की फादर की पूरी कंट्री में एक बहुत बड़ी कंपनी थी और इसी वजह से वो मिलीनियर था। उन्हें 3 बेटे थे और उसमें से आरिस उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। वो आरिस से पूरी तरीके से अपसेस थे। वो इंटरनेट पर उसकी फोटोज निकालती और जब वो खिड़की में आता तो उसे वो देखते रहती। पूरी कहानी की शुरुआत रेचल के वाईफाई बंद पड़ने से हुई। रेचल अपने वाईफाई को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो आरिस का ब्रदर ये उसका वाईफाई यूज कर रहा था। ब्रदर को लग रहा था कि रेचल ने आरिस को उसके वाईफाई का पासवर्ड दिया और इसके लिए उसे थैंक यू कहता है। एक रात रेचल के घर के बाहर गाने चल रहे थे, उसने देखा तो आरिस वहां पर हैंग आउट कर रहा था। रेचल ने कहा कि इस तरीके से वाईफाई चुराना अच्छी बात नहीं है, म्यूजिक बंद करो और यहाँ से चले जाओ। आरिस कहता है कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, पर फिर भी उसने म्यूजिक बंद कर दिया। रेचल का हाईस्कूल में एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम है योशी। योशी उसे बहुत ही लाइक करता है पर रेचल सिर्फ उसे एज अ फ्रेंड ही देखती है। स्कूल के बाद जब फुटबॉल की प्रैक्टिस चलती है तो वही बार भी रेचल आरिस को देखने के लिए चली गई। वो बारिश में चलकर घर जा रहा था तो रेचल उसका पीछा करने लग गए। जंगल से होते हुए आरिस उसे कहीं भी दिख नहीं रहा था। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है और वो कीचड़ में गिर जाती है। ये आरिस था और उसने पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। रेचल कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। आरिस कहता है कि मुझे बताए तुम मुझे बहुत लाइक करती हो। रेचल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आरिस फिर रेचल के हाथ पर उसका वाईफाई पासवर्ड लिखता है। ये आरिस द क्रिक गॉड था। आरिस ने कहा कि जब मैंने तुम्हारा नेटवर्क हैक किया उसमें मेरी बहुत सारी फोटोज तुम्हारे पास थी, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो। रेचल ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। आरिस इस बात को थोड़ा भी सीरियस नहीं लेता। रेचल ने कहा कि मैं डर रही हूँ, मुझे घर तक छोड़ दो। आरिस ने कहा कि मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए, मैं जहाँ पर जाऊँ वहाँ पर तुम्हें किस करना चाहता हूँ। ये दोनों करीब आकर किस करने वाले थे पर आरिस रेचल को रोक लेता है। उसने उसे घर छोड़ दिया और रेचल आरिस की इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रही थी। उसकी मदर ये सब नोटिस करती है और कहती कि आरिस बहुत हैंडसम है। रेचल ने कहा कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी एक मिलीनियर है, हम दोनों के बीच में कुछ भी हो नहीं सकता। रात में आरिस अचानक से रेचल के रूम में आ गया था। रेचल डर गई। आरिस कहता है तुम्हारा वाईफाई बंद पड़ गया था तो इसी को ऑन करने के लिए मैं आया। रेचल कहती कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी। आरिस कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। उसके वो करीब आ गया, उसके साथ वो इंटीमेट होने लग गया पर अगले ही मोमेंट पर चला जाता है। वो जाते जाते उसे विच बुलाता है क्योंकि रेचल के हेयर्स हमेशा बिखरे हुए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योशी डिलीवरी लेकर अपने स्कूल के वॉचमैन के पास गया। वॉचमैन ने कहा कि मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया था, पर मौके का फायदा उठाकर योशी स्विमिंग पूल की चाबी उससे चुरा लेता है। इसी के बारे में बताने के लिए नेक्स्ट डे वो रेचल के पास आया। ये दोनों बात कर रहे थे तभी आरिस भी वहां पर आ गया। रेचल छिपने की कोशिश करती है पर आरिस को पता था कि वो यहीं पर है। उसने कहा कि हमने एक क्लब में पार्टी रखी है, अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। योशी जेलस होकर कहता है कि मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और फ्यूचर हस्बैंड। आरिस ने कहा कि अगर तुम इसे लाना चाहती हो तो ला सकती हो। योशी इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था पर फिर भी रेचल चली जाती है। आरिस VIP सेक्शन में था पर रेचल को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। आरिस का छोटा ब्रदर गार्ड को समझाने की कोशिश करता है पर फिर भी गार्ड मानता नहीं। आरिस का फिर बड़ा ब्रदर आया और रेचल को अंदर लेकर जाता है। आरिस क्लब के बाहर हैंग आउट कर रहा था। आरिस रेचल को देखकर सरप्राइज था। रेचल डायरेक्टली उसके पास आकर उसके साथ इंटीमेट होने लग गई। अचानक से वो भी उठकर चली जाती है। आरिस ने उसके साथ कल रात जो किया था ये उसका ही बदला था। इसके बाद वो आरिस के छोटे ब्रदर के साथ हैंग आउट कर रही थी। छोटे ब्रदर का नाम था अपोलो। अपोलो ने कहा कि मेरे ब्रदर्स मुझे ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं करने देते, तो रेचल उसके लिए ड्रिंक बाय कर देती है। वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाता है। रेचल की फ्रेंड क्लॉडिया उसे बहुत ही अच्छी लगती है पर क्लॉडिया उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देती। रेचल उसे घर पर छोड़ने वाली थी पर अपोलो कहता है कि वहां पर मेरे फादर होंगे, प्लीज मुझे घर पर मत लेकर जाओ। रेचल मान नहीं रही थी तो उसका फोन लेकर उसने नीचे फेंक दिया, इससे वो टूट जाता है। रेचल फिर उसे अपने ही घर पर लेकर आई। आरिस ने फिगर आउट किया और वो भी वहां पर आ जाता है, अपने ब्रदर की अच्छे से केयर रखता है। उसके ग्रैंडफादर जब बीमार थे तो उसने उनका ख्याल रखा था, इस वजह से उसे मेडिकल में जाना है। उसके फादर चाहते कि वो बिजनेस संभाले, इस वजह से वो डॉक्टर नहीं बन सकता। आरिस ने कहा कि जब तक हमारे फादर घर से चले नहीं जाते हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। वो रेचल के बेड में सो गया और कहता है कि तुम भी आकर सो जाओ।
वो दोनों वहीं पर एक दूसरे को प्लीज करने लग गए। अगले दिन स्कूल से वापस आने के बाद रेचल को आरिस का गिफ्ट मिला। उसने उसे एक आईफोन गिफ्ट किया था। उसे गलत लगता है तो आरिस को वापस करने के लिए चली गई। आरिस किसी और लड़की के साथ बात कर रहा था। रेचल ने कहा कि क्या तुम हर एक लड़की के साथ यही सब करते हो, मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ। आरिस उसके करीब आ गया पर रेचल वहाँ से जाने लग जाती है, पर अपना माइंड चेंज कर उसे किस कर लेती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। इंटीमेट होने के तुरंत बाद आरिस अपना गेम खेलने लग गया, उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। रेचल को इस बात पर गुस्सा आ गया और वहाँ से चली जाती है। रेचल का नेकलेस आरिस के पास ही रह गया था, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। अगले दिन आरिस रेचल के नेकलेस के साथ फोटो निकाल कर उसे सेंड कर देता है। ये लेने के लिए रेचल फिर से उसके घर पर गई तो वहाँ पर पार्टी चल रही थी। उन दोनों के बीच में बहुत ऑकवर्डनेस था। वो गेम्स खेल रहे थे और मस्ती करते करते सब लोग पूल में चले गए। कपड़े सुखाने के लिए आरिस रेचल को अपने रूम में लेकर जाता है, उसका नेकलेस उसने उसे पहना दिया। इसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट हो गए। इसके बाद भी आरिस वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके घर वालों को भी पता था कि हमेशा वो यही करता है। उसके बड़े ब्रदर की गर्लफ्रेंड ने रेचल को कहा कि आरिस किसी काम से बाहर गया है, तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। इस सब से रेचल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी तो योशी को बुला लेती है। योशी ने कहा कि अगर तुम उसके बारे में बात करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। रेचल ने कहा कि मैं बहुत बड़ी पागल थी, वो फिर से आरिस के पास वापस नहीं जाने वाली। रेचल का मूड अच्छा करने के लिए उसकी फ्रेंड उसे एक पार्टी में बुलाती है। पार्टी में किसी और ने आरिस को भी बुला लिया था। रेचल उसे जेलस फील कराने के लिए योशी के साथ डांस करती है। इसके बाद वो स्विमिंग पूल में चले गए। रेचल ने कहा कि हम दोनों साथ हैं, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। योशी की वो बहुत ही करीब थी तो उसे भी फीलिंग्स आने लग गई थी। घर पर आने के बाद आरिस वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर इसमें रेचल ने गालियाँ लिखी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो रेचल ड्रंक होकर घर पर आए। रास्ते के आदमी उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे तो आरिस उठाकर बेडरूम में उसे रख कर आता है। रेचल ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कि मुझे स्टोरी सुना और इसके बाद तुम चले जाना। आरिस ने रेचल के साथ जो भी किया इसके लिए उसे बहुत ही गिल्टी लग रहा था। उसने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैंने मेरी मदर का अफेयर पकड़ लिया था। जब ये सब बात मैंने मेरे ब्रदर से कही तो मुझे अपने फादर के पास लेकर गया। फादर ने कहा कि मेरे भी बहुत सारे अफेयर चलते हैं, किसी से प्यार करना एक कमजोरी होती है और ये कभी भी तुम्हें करना नहीं चाहिए। इसी वजह से आरिस अलग अलग लड़कियों के साथ होता है, इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर वो किसी से प्यार करे तो एक बड़ा इशू बन जाएगा। हमेशा आरिस अपनी फीलिंग्स से भागता आ रहा है। जब वो रेचल के साथ है तो उसे भी उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी और इसी वजह से उसे उसने दूर कर दिया। आरिस ने ये सब बातें रेचल को टेक्स्ट भी की थी पर इसे वो डिलीट कर देता है। अगले दिन उसके फादर ने उसे बुलाया, कहा कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही कम है, तुम्हें बहुत ही अच्छे से स्टडीज में परफॉर्म करना पड़ेगा, उसी के बाद तुम स्टैनफोर्ड में जा पाओगे। उन्हें रेचल के बारे में पता था, वो ये भी कहते हैं कि कभी भी किसी से प्यार मत करना। इस सब के बारे में आरिस बहुत सोचता है, रेचल से वो दूर नहीं रह सकता। उसने फुटबॉल खेलते हुए एक गोल किया और वो रेचल को डेडिकेट करता है। बाद में लाइब्रेरी में आकर उसने उसे बात की। रेचल उसे गुस्सा थी, उससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। आरिस ने कहा कि मैं हमेशा अपनी फीलिंग से भागता आ रहा हूँ, पर प्लीज़ मुझे एक चांस दो। अगर तुम अब रेडी नहीं हो पर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी लगे तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करता रहूँगा। उसे कॉस्ट्यूम पार्टी के बारे में बताकर जाता है। योशी ये सब देख रहा था और उठकर चला गया। रेचल ने कहा कि आरिस सॉरी कह रहा था, पर योशी कहता है कि अगर तुम फिर से उसके पास चली गई तो मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं रह सकता, वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रेचल आरिस के साथ पार्टी में जाने के लिए मान गए, पर आरिस कहता है कि हम पार्टी में नहीं जा रहे, मैंने प्लान चेंज कर दिया है। अपने फादर की ऑफिस की बिल्डिंग में उसे लेकर गया। ऊपर एक हेलीपैड था जहाँ से वो सब कुछ देख सकते थे और वहीं पर उसने डिनर प्लान किया था। रेचल ये देखकर सरप्राइज थी। आरिस कहता है कि मैं सरप्राइज देने के लिए मास्टर हूँ, जैसे तुम राइटिंग की मास्टर हो। जब भी उसके रूम में आता था तो उसकी राइटिंग उसने पढ़ी थी। ये सब रेचल को बहुत पसंद आया और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रही थी। एक रात आरिस जब अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था तो उसके फादर फिर से कहते हैं कि उसे स्टैनफोर्ड जाना पड़ेगा। आरिस कहता है कि मैं आपका बिजनेस नहीं संभालना चाहता। इस बात से फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। वो कहते हैं कि तुमने कभी भी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया है, इसी वजह से ये सब बातें कर रहे हो। आरिस गुस्सा हो गया और वो भी मेहनत कर सकता है ये प्रूव करने के लिए। रेचल जहाँ पर काम करती थी वहीं पर उसने जॉब ले ली। उसका ब्रदर ये बात नोटिस कर लेता है। उसने आरिस और रेचल को एक साथ काम करते हुए देखा और इसका बदला लेने का वो डिसाइड करता है। आरिस के ऑफिस में एक बहुत बड़ी पार्टी थी जहाँ पर रेचल को इन्वाइट करता है। आरिस के फादर रेचल को देख कर कहते हैं कि तुमने तो ऑफिस ऑलरेडी देख ही लिया है, क्योंकि हेलीपैड पर उन्होंने जो भी किया था इसका वीडियो फुटेज उन्होंने देख लिया था।
आरिस के बड़े ब्रदर ने कहा कि आज की केटरिंग की सर्विस अच्छी नहीं है। उसने जानबूझकर रेजल को जलील करने के लिए उसी की मदर को हायर किया था। इस तरीके से उसका मजाक बनने के बाद रेजल वहां से गुस्से में जाने लग गए। ब्रदर ने आरिस को कहा कि सर फादर को चिढ़ाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हें रेचल को कभी भी यहाँ लाना नहीं चाहिए था। जो भी हो इस बात से वो दोनों बहुत अपसेट थे। काम पर आरिस रेचल से बात करता है। उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कह दो, मैं तुम्हें फिर से कभी भी नहीं दिखूंगा। इनका पहले प्रॉम में साथ जाने का प्लान था, ये भी रेचल कैंसिल कर देती है। जो भी हो इसके लिए रेचल ने अपनी मदर को सॉरी कहा। वो कही थी कि मैं बहुत फूल हूँ, मेरी और आरिस की रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं करने वाली थी। मदर ने कहा कि तुम्हें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। रेचल के फादर भी एक राइटर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी पर वो कभी पब्लिश नहीं हुई। रेचल को इसके लिए हमेशा बहुत बुरा लगता था, पर मदर ने अब कहा तुम्हारे फादर कभी भी किसी पब्लिशर के पास गए ही नहीं क्योंकि वो बहुत डरते थे। इस तरीके से तुम्हें कभी भी डरना नहीं चाहिए, लाइफ में जो चाहिए वो पा लेना चाहिए। मदर की बात सुनकर रेचल आरिस से मिलने के लिए गई, पर आरिस के फैमिली मेम्बर उसे उससे मिलने नहीं देते। आज प्रॉम था तो वहाँ पर वो अकेले ही जाती है। अपोलो कंटिन्यू रेचल के फ्रेंड क्लॉडिया के पीछे पीछे था, उसे भी वो अच्छा लगने लग जाता है। रेचल को मनाने के लिए आरिस आ रहा था, पर रस्ते में उसे योशी मिलता है। योशी ने कहा कि तुम रेचल को इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। आरिस योशी को अकेले में स्विमिंग पूल के पास लेकर गया। आरिस ने कहा कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसे दूर जब होता हूँ तो मैं सांस नहीं ले पाता। योशी को यह सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। आरिस कहता है कि तुम्हारा पूरा गुस्सा निकाल लो, तुम चाहो तो मुझे मार भी सकते हो। योशी सचमुच में उसे पुश कर चला जाता है। आरिस स्विमिंग पूल में गिर गया और पानी में क्लोरीन था जिससे वो एलर्जिक है। उसे वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता। योशी भी रेचल के पास चला गया। वो कहती कि तुम ही मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो। योशी ने कहा कि आरिस तुमसे मिलने के लिए आया हुआ था, मैंने उसे स्विमिंग पूल में पुश कर दिया। ये सुनने के बाद रेचल जल्दी से आरिस को बचाने के लिए चली गई। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाता है। जब तक आरिस को होश नहीं आया तब तक रेचल उसके पास ही थी। रेचल ने आरिस के फादर से बात की, आरिस को अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है, इस बात को लेकर उन्हें वो कन्विंस कर देती है। आरिस को होश आया तो रेचल को देखकर वो बहुत खुश था। ये दोनों अब एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे। आरिस को हमेशा से डॉक्टर बनना था तो उसके फादर भी उसे सपोर्ट करते हैं, पर इसके लिए उसे एक अलग कंट्री में जाना पड़ता है। रेचल आरिस को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आई तो आरिस कहता है मैंने जानबूझकर तुम्हारे वाईफाई का पासवर्ड चुराया था क्योंकि मैं तुमसे बात कर सकूं। वो भी पहले से उसे बहुत लाइक करता था। एक दूसरे से दूर रहना इनके लिए हार्ड था। रेचल कहती है प्यार में हार्डशिप तो आती ही रहती है। जब भी आरिस का ब्रेक आता तो रेचल को सरप्राइज करने के लिए पहुंच जाता। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कितने भी प्रॉब्लम आ जाए ये दूर नहीं रह सकते। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।